साहस सरोकार। लोकसभा में राहुल गांधी के बयानों को लेकर हुआ भारी हंगामा, हंगामे के चलते कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई के दूसरे दिन राज्यसभा की कार्रवाई जारी। नाटू नाटू गाने की राज्यसभा में गूंज, जया बच्चन ने फिल्म की पूरी यूनिट को ऑस्कर के लिए दी बधाई। अररिया में परिवहन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का किया चालान। चंदौली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन, 41 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयानों को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा लगातार जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने को कह रही है, तो वहीं कांग्रेस पीएम मोदी के विदेशों में दिए गए पिछले बयानों को लेकर उनका घेराव कर रही है। इसी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर दुनिया भर में भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। वहीं इसी हंगामे को लेकर दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। नेताओं को जेल में महीनों तक डालने का काम, मीडिया को बंद करने का काम, ये कांग्रेस के समय हुआ है। और देश से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। करप्शन एक आर्ट, या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई के दूसरे दिन राज्यसभा में नाटू नाटू गाने को मिले ऑस्कर अवार्ड की गूंज सुनाई दी। राज्यसभा में इस उपलब्धि के लिए फिल्मों की पूरी यूनिट को बधाई दी गई। वहीं कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सभापति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने नाटू नाटू गाने को मिले ऑस्कर पुरस्कार के लिए सभी यूनिट को बधाई दी है। सर राजीव जी, प्रेजेंस इज ऑलवेज इंपैक्टफुल, समटाइम्स एब्सेंस इज इक्वली इंपैक्टफुल। ऑनरेबल लीडर ऑफ ओपोजिशन, आई आल्सो जॉइन टू कंग्रेचुलेट बोथ द अवार्डीज एंड पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम सच ए अवार्ड इज गिवन टू दिस नाटू नाटू एंड आल्सो टू द एलिफेंट्स। These things. So both mostly they come from South India. It is great pride for us, and also we are very proud, and whatever you have told, we are with you. But my request is that the ruling party should not take credit that we have directed. We have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. I'm so happy and I'm so glad that we are discussing the
most important ambassadors of this country, and they are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west, they are Indians. Yes. I'm so happy that while thanking the president in my speech, I did mention about this point. And I feel vindicated today. I stand here with pride and with dignity for my film fraternity who have represented this country number of times, have won number of awards, and starting from Satyajit Ray onwards. The writer, he's not only the script writer, sir, he's the writer, he's the story writer as well, is a member of this house, and it's a great honor. There have been many, many such people from the creative world who have been nominated here in this house, पहले भी और आज भी. मैं ये कहना चाहती हूँ, ये शुरुआत है और ये इसलिए है कि भारत देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके खातिर विदेश के लोग आज हमारी जनता को रिकग्नाइज कर रहे हैं. द मार्केट ऑफ सिनेमा इज हियर, इट्स नॉट इन अमेरिका. औरैया शहर कोतवाल में सदर सीओ सिटी प्रदीप कुमार ने पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया. बता दें कि प्रदीप कुमार ने सुभाष चौराहा, तहसील चौराहा, सदर बाजार, लेडीज मार्केट के अलावा मुख्य मार्गों पर पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया है. वह पुलिस को आता देख अराजित लोगों ने अपना रास्ता ही बदल लिया. वहीं प्रदीप कुमार ने व्यापारियों से संवाद कर उनको सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया. आज क्या हम लोग पर डे ही पैदल गश्त करते हैं पूरे कस्बे में जो है, और जगह जगह बदल बदल के कस्बे पैदल गश्त हम लोग होता है, कहीं किसी प्रकार की कोई प्रकार की कोई घटना ना हो सके और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, और वैसे भी पुलिस की विजिबिलिटी भी रहती है, कहीं किसी प्रकार का कोई क्राइम ना हो सके, इसके लिए भी सतर्क हम लोग रहते हैं. खबर औरैया से है जहां दिबियापुर थाना क्षेत्र के कंचौसी मोड़ के पास बच्चों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक छात्र समेत एक ऑटो चालक की मौत हो गई थी. वही हादसे के बाद यातायात और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और विभाग द्वारा गैस कटर के माध्यम से ऑटो की सीट काटी गई और कई वाहनों के चालान भी किए गए. पीटीओ रेहाना बानो ने यातायात पुलिस कर्मियों के साथ चेकिंग अभियान चलाया, जिससे ऑटो चालकों में हड़कंप भी मच गया है. बता दें कि ऑटो चालक मानक से अधिक सवारियां भरकर यात्रियों को चलते थे, जिस वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे थे, जिसको देखते हुए विभाग की ओर से ये निर्णय लिया गया. वही पीटीओ रेहाना ने बताया कि किसी भी सूरत में डग्गामारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अभियान खानपुर चौराहा और दिबियापुर औरैया मार्ग पर चलाया गया था. चंदौली के शाहबगंज ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रवली सिंह और सरिता सिंह की अध्यक्षता में 41 जोड़ों की शादी हुई. नव दंपतियों को जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने आशीर्वाद दिया है. साथ ही योजना के तहत लाभार्थियों को धनराशि के साथ घर गृहस्थी चलाने का जीवन का उपयोगी सामग्री भी दी गई है. वही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने तरफ से सिलाई मशीन, बेड बिस्तर, साइकिल और फैन समेत कई चीजें उपहार में दी है. फिरोजाबाद में सीएमओ कार्यालय में कार्यरत बाबू का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है. बता दें कि सीएमओ कार्यालय में कार्यरत बाबू 25,000 तक रिश्वत लेते हैं और सीएमओ को कानो कान तक खबर नहीं होती है. वह एंटी करप्शन की टीम ने सीएमओ कार्यालय पर छापेमारी की, जिसके बाद एनयूएचएम के अकाउंटेंट अनुराग सविता और डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रशांत वर्मा को गिरफ्तार किया गया है और असिस्टेंट के ऑफिस को भी अब सील कर दिया गया है. और गिरफ्तार किए गए लोगों से जनपद के थाना मक्खनपुर ले जाकर टीम ने पूछताछ की, जिसके बाद थाने में पुलिस टीम आरोपियों को मेरठ जेल ले गई, साथ ही 25,000 रुपए भी बरामद किए हैं.
मेरा पैसा निकलता है UHND और लिंक वर्कर जो प्राइवेट वर्कर उनसे हम काम कराते हैं अपनी जेब से पैसा दे के, तो वो मार्च में ही निकलता है पैसा। तो इन्होंने कही मुझे 25% चाहिए, मिल देंगे 25% और 30% लेते हैं UHND पे, बस उसी का हम पैसा दे रहे हैं। तो और मैंने अपने लोगों से बात कर ली थी, इंटीग्रेशन को बताया था, हाँ बात कर ली थी, बस रहे आप पकड़वा दिया। हरदोई में मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पिहानी के मोहल्ला मुरीद खानी निवासी ने SP से शिकायत की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पैतृक जमीन को दबंग कब्जा रहे हैं और भूमि को उसने सती मंदिर में दान किया था, जिस पर बिना हक के भू माफिया धड़ल्ले से निर्माण करा रहे हैं। पुलिस से शिकायत करने के बावजूद मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही पुलिस और राजस्व की टीम अब मूक दर्शक बनी हुई है। साथ ही मंदिर की जमीन बचाने के लिए पीड़ित अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। खबर गाजियाबाद से है, जहां एक सोसाइटी में बच्चा चोरी का ताजा मामला सामने आया है। बता दें कि नंदग्राम थाना क्षेत्र के पौष इलाके राजनगर एक्सटेंशन की चाम कैसल सोसाइटी में एक व्यक्ति बच्चा चोरी करके भाग रहा था कि तभी बच्चे के पिता ने उसे देखकर शोर मचाया, जिससे सोसाइटी के लोग जमा हो गए और उसे पकड़ लिया गया। सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस से सही ढंग से कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही बच्चा चोर के खिलाफ कार्रवाई करने की भी अब मांग की गई है। यहाँ पे लगभग 9:30 बजे के आसपास की घटना है। 9:30 बजे एक व्यक्ति को, जो एक लड़का था लगभग 25 साल के आसपास, उसको एक छोटा सा बच्चा उठाते हुए लोगों ने देखा, उसको पकड़ लिया। वो उठा के उसको अपनी गोदी में उठा के ले जा रहा था, तो उसको गेट के पास सोसाइटी के लोगों ने पकड़ लिया। उसको पकड़ के उसके साथ मारपीट करने लगे। जब मारपीट कर रहे थे तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, फिर पुलिस आ गई, तुरंत ही पुलिस आ गई। मुश्किल से शायद 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, इतनी देर में पुलिस आ गई। तो पुलिस ने क्या किया, उसको उससे मारपीट की उसके साथ भी, फिर उसको पुलिस अंदर ले गई सोसाइटी में, उसको बंद कर दिया। उससे पूछताछ की, उसने बताया कि सोसाइटी के अंदर 3 लोग और हैं, मतलब 4 लोग आए थे सोसाइटी में, एक पकड़ा गया, बाकी 3 लोग और अंदर ही कहीं छुपे हुए हैं। तो लेकिन पुलिस ने उसको तो पकड़ लिया, पब्लिक इकट्ठी हो गई, उन 4 लोगों को ढूंढने का प्रयास पुलिस की तरफ से नहीं हुआ। वो 4 लोग अभी अंदर हैं कि भाग गए, उनका क्या है अभी तक पता नहीं है। बेटी गया था तो एक बेटी बड़े वाले स्लाइड पे चढ़ी हुई थी, काफी ऊंचा 5 फुट 6 फुट, और दूसरी उसी पे थी, वो उतर के नीचे उतरी और पार्क के दूसरी तरफ फाउंटेन बना हुआ है, वो उधर की ओर भाग गई मेन रास्ते पे। तो मैं पहली बेटी को बताने का इंतजार है, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, क्योंकि सामने बच्चे बहुत होते हैं, धक्का मुक्की होती है, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो बताने के इंतजार में था कि अचानक से मैं देखा कि एक आदमी ने मेरे बच्चे को गोद में ले लिया। पार्क में ही था तो मैं दौड़ के गया हूँ, मैंने पूछा भाई क्या बात है, तुमने मेरे बच्चे को गोद में क्यों लिया? बोलता है मेरी बिटिया है। मैं हैरान, पहले तो मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, किसी छीना, फिर मैंने उसको दूसरे हाथ से, मेरे पास 2 बच्चे थे, दोनों के एक हाथ पकड़े, दूसरे हाथ से पकड़ के मैं उसको पार्क में लाया जहाँ पे सारे लोग थे। फिर तो सारे लोगों को समझ में आ गया कि ये बच्चा चोर है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस